Ship guys, welcome back to another Car Force Red Simulator, Teddy Red Ship. So guys, finally हमारी गेम के डेवलपर ने बता दिया है कि अपडेट कब आने वाली है। वही गाइस आज वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपडेट कौन सी डेट को आने वाली है या फिर आने वाली है कि नहीं, ये सारा कुछ आज वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस देरी की इस बात की फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस हमारी गेम के डेवलपर ने ये बोला है कि अपडेट का बिल्कुल भी ठिकाना मत रखना, अपडेट कभी भी आ सकती है। अगर हमारे वर्कर जो है अगर वो फास्टली काम करेंगे तो अपन को फास्टली जो है देखने को मिल जाएगा अपडेट। तो गेम के डेवलपर ने बोला है कि भाई अपडेट कभी भी मिल सकती है। मतलब गाइस ये जो हमारी जो बुगाटी सुपर कार के ना ये अपडेट के बारे में, पर पता नहीं गाइस अपडेट बुगाटी वाला बहुत लोग को मिल चुका और बहुत लोग को नहीं मिला, ऐसा गेम के डेवलपर क्यों कर रहे हैं ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। पर गाइस अभी जो है मैं बहुत ही ज्यादा इस पे कंटेंट बना चुका हूं अपडेट 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 करके। पर गाइस कल से ना मैं अपने लिए निसान GTR और डॉज वाइपर फाइंड करने वाला हूं, क्योंकि पता नहीं गाइस मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत दिन से गेम नहीं खेल रहा था। जैसे मेरे एग्जाम्स थे तो मैंने गेम बंद किया। तो गाइस मेरी निसान GTR और डॉज वाइपर बिल्कुल भी देखने को नजर में आई नहीं रही है। जब से मैक्लेरन आई है तब से मैं मैक्लेरन मतलब गाइस ड्राइव कर रहा था, तब से गाइस मेरे को निसान GTR पे मैं देखता ही नहीं था कि निसान GTR पड़ी होगी ऑफिस में। तो गाइस मैं आज ऑफिस में ऐसे जाकर देखता हूं तो मेरे को वहां पर भाई मिलती नहीं है भाई निसान GTR। सो गाइस अब जो है कल से मैं फाइंड करने वाला हूं अपने लिए निसान GTR और डॉज वाइपर, और कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप लोगों को कल वाले वीडियो से आप लोगों को देखने को पता चल जाएगा कि कैसे जो है अपन सुपर कार्स को फाइंड करने वाले हैं। सो गाइस जो है मैं यही बताने वाला था कि मैं अपने लिए निसान GTR और उसके साथ साथ डॉज वाइपर को फाइंड करने वाला हूं, और हमारे गेम के डेवलपर ने ये बोला है अब से कभी भी हमारे गेम के अंदर कोई भी अपडेट आ जाए, कैसे भी अपडेट आ जाए, वो अपडेट का कभी भी ठिकाना मत रखना और हमारे पे डिपेंड मत रखना करके हमारे गेम के डेवलपर ने बोला है। मतलब कि गाइस अगर जो काम कंप्लीट हो जाता है तो एक दिन बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर काम डबल बढ़ता है, अगर उनके माइंड में कुछ और जो अपडेट के बारे में पता चलता है तो उन्होंने बोला कि अपडेट थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो उसमें बिल्कुल भी वरी मत लेना, उसका बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना। बस गेम के डेवलपर ने ये बोला है अपडेट कभी भी आ सकती है, बस चेक करते रहना। अगर आप बेटा वर्जन हो तो कभी कभी बेटा वर्जन को लीव करके वापस रिज्वाइन कर लेना, क्या पता अपडेट देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये तो मैंने ट्राई किया पर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं मिला ये अपडेट। पता नहीं गाइस अपडेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, पर गेम के डेवलपर ने बोले अपडेट मिल सकता है। सो कल से जो मैं अपने लिए निसान GTR और डॉज वाइपर को भी फाइंड करने वाला हूं, तो गाइस वो जो मेरे को इजीली मिल जाएगा करके मेरे को पता है, क्योंकि अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्शन में जाना है और सोना है, ऑक्शन में जाना है और स्लीप करना है, यही करना है और अपन को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस आज वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगती तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।